गुड इवनिंग एवरी वन, आई एम सक्षम पांडे, योर फिजिक्स टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक साउंड। आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, मतलब आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है, अब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तीनों में से कुछ भी बोल लो। सबसे अच्छा टर्म रहेगा डिस्टिंग्विश। दो अलग अलग साउंड सुनाई देती है, सबकी वॉइसेस तुम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो ना कि हाँ ये कुछ बोला तो प्रक्षत ने बोला, वो कुछ बोला तो आयुष ने बोला, दूर से ही देखे भी नहीं हो पर दूर दूर से आवाज़ सुनाई दे देती, हाँ इसने चिल्ला के बुलाया है, तो मतलब उसकी साउंड वेव में कुछ तो ऐसा है जो सबसे अलग है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, उसी से हम लोग देखेंगे कैसे डिस्टिंग्विश हो सकती है साउंड। कॉपीज निकाल लो, साथ साथ नोट करते रहना जो इम्पोर्टेंट लगे। और एको के न्यूमेरिकल्स लगाया किसी ने? नहीं लगाया? रेजोनेंस पढ़ा घर जाके, वो सारे क्लियर हुए तीनों? पेंडुलम, वाटर और वो जो ट्यूनिंग फोर्क वाला, तो तीनों क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तीनों तीनों में से कोई ना कोई एक आता है ज़रूर, तीनों अच्छे से, जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस का किए थे ना, तो आप लोग देखोगे कि तीनों में से एक ना एक का डायग्राम आता है। और आज जो करेंगे इसमें से भी, इसमें बेसिकली आपको पता चलेगा कि जो अलग अलग हम लोग वेव्स बनाते हैं ना, हम लोग कभी ऐसे वेव बना दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसी ऐसी वेव बना दी, इन दोनों में इन जैसे एग्ज़ाम में क्या करेगा, ऐसी ऐसी तीन वेव दे देगा। अब बताएगा इसको इसको कंपेयर करो, इन दोनों में क्या है, इसको इसको करो, इसको और इसको करो। तो ये करना आज सीखेंगे कि सबके बीच में डिफरेंसेस होते क्या क्या हैं। लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर होगा, किसी को पता है? कैसे ही पता होगा, इतने अच्छे स्टूडेंट ही हो तुम लोग। लेक्चर 38, टेस्ट। तुम लोग बताओ क्या हुआ टेस्ट का, मैं क्या बताऊँ? तुम लोग ने कुछ किया तो ना, मैंने थोड़ी ना, तुम ही लोग बताओ। जब कोई भी बच्चा नहीं आया तो टेस्ट का क्या होगा? ऐसे पूछ रहा है कि जैसे सर कॉपी चेक हो गई। चलो इस सैटरडे आना। क्या कुशाग्र क्या कह रहा है? इस बार तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि बेचारे का बर्थडे था, तो मैंने सोचा चलो जाने दो। अब अगर पांचों में से कोई एक भी एबसेंट हुआ तो देख लेना बेटा, सबके घर पे कॉल जाएगा। चलो सबसे पहली, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दे विल बी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चलो बेटा बात मत करो, ठीक है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। कुशाग्र बेटा यहाँ बैठो, चलो बैठो, जल्दी बैठो, बैठो बैठो, बुक बंद कर दो फिर, सब लोग बुक ही बंद करा दो, सबसे करा दूंगा, जाओ जल्दी जाओ, जाओ दीवार से चिपक के बैठो जल्दी। पहले तो मेरे बिल्कुल नहीं, अब तो पहले मैं देखूंगा, और डाउनलोड पे लगा हुआ है वो, अब फ़ोन मत निकाल लेना बीच में, डाउनलोड कैंसिल कर दूंगा मैं। रात को मूवी नहीं देख पाओगे फिर, वेब सीरीज जो भी है। वही गाना का रिंगटोन लगा के आओगे तुम, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ठीक है? तीन कैरेक्टरिस्टिक होंगी साउंड की, इन्हीं तीनों की वजह से आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो किसी भी साउंड को। अब लाउडनेस, सबसे पहले हम लोग समझे कि लाउडनेस क्या होता है। तो लाउडनेस होता है, बोलते नहीं थोड़ा ऊंचा बोलो यार, मुझे ऊंचा सुनाई देता है, अब ये ऊंचा नीचा क्या है? हाँ, अरे वाह यार क्या बात कह दी, एम्पलीट्यूड। अब देखो भले लोगों को पता ना हो कि ये ऊंचा मतलब क्या है, ऊंचा मतलब वो लोग समझ रहे हैं कि तेज़ बोलो, लेकिन ऊंचा मतलब बहुत बड़ी चीज़ भी है कि हाँ तुम अपने आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ाओ।
मतलब तुम्हारी जो साउंड वेव ऐसे ऐसी चल रही है, तुम ऐसी ऐसी चलाओ, ठीक है। तो लाउडनेस तो ये हुआ, ठीक है, कि कोई आवाज़ कितनी लाउड है या सॉफ्ट है। जैसे हाँ, लाउड की आवाज़ दूर तक जाए, लाउड, जैसे दो डिफरेंसेस बता रहा हूँ। अगर मैं इसको गिराता हूँ और एक पिन को गिराता हूँ, तो दोनों में से लाउड आवाज़ किसकी आएगी? इसकी आएगी। ये डिफरेंस हुआ लाउडनेस और सॉफ्टनेस में, तो ये लाउडनेस होती है। दूसरी पिच, पिच होती है दो तरीके की, हाई पिच लो पिच। हाई पिच होगी श्रिल वॉइस, समझ रहे हो, श्रिल वॉइस, जैसे कि हम टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि वो ब्लैक बोर्ड पे से चौक घिसता है बड़ी, हाँ आवाज़ एकदम ची सी आवाज़ आती है, तो वो होगी हाई पिच। और जो नहीं है, जो ग्रेव वॉइस है, जैसे जिसकी भारी आवाज़ होती है, उसकी होती है लो पिच वॉइस। ये हुआ क्वालिटी होगी कि साउंड की जो वेव का पैटर्न है वो कितना पीरियोडिक है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सेम लाउडनेस पे है, सेम पिच पे है, मगर तब भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना कि नहीं ये कीबोर्ड बज रहा है, नहीं ये तो तबला बज रहा है, भले ये दोनों सेम चीज़ हो। तो ये क्वालिटी बताता है कि साउंड कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा लगेगा सुनने में, जितनी बेकार क्वालिटी वो चलती चलेगी नॉइज़ की तरफ। एक अच्छी क्वालिटी तो म्यूज़िक है, बेकार क्वालिटी तो नॉइज़ है। अब एक एक करके क्वालिटी से, हाँ क्वालिटी से पहचान पाओगे, लेकिन तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। एक चीज़ ऐसा नहीं होता कि आपका दिमाग, हाई पिच नहीं, आपकी जो हाई एम्पलीट्यूड वॉइस है वो दूर तक सुनाई देगी। अगर लाउडनेस दोनों की सेम है तो दोनों सेम जगह तक सुनाई देगी, बस एक पतली सुनाई देगी एक भारी। जैसे एक मेल सिंगर गा रहा है, एक फीमेल सिंगर गा रहा है, अगर दोनों लोग का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, तो दोनों लोग की आवाज़ सेम दूरी तक सुनाई देगी, मगर दोनों लोग की पिच में डिफरेंस होगी। जो मेल सिंगर होगा वो जो है, मतलब ये तो सब्जेक्टिव है, ये पूरी जितनी बात होगी, बुक में भी काफ़ी जगह बोला है कि ऑल दिस इज सब्जेक्टिव, मतलब इट विल मैटर अकॉर्डिंग टू द पर्सन। किसी को वो आवाज़ क्या पता उतनी हाई पिच ना लगे, किसी को लगे नहीं ये तो लो पिच आवाज़ है, किसी को लो पिच हाई पिच आवाज़ लगे, सब कुछ सब्जेक्टिव है। तो वो दिमाग में रख के, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मेल सिंगर है उसकी थोड़ी ग्रेव वॉइस होगी, मतलब उसकी लो पिच वॉइस होगी, जो फीमेल सिंगर है उसकी हाई पिच। तो लड़की की आवाज़ थोड़ी पतली सुनाई देगी उतनी दूर तक, पीछे वाले को उसकी भी उतनी ही सुनाई देगी पर पतली, और जिसकी भारी आवाज़ है उसको भी उतनी ही सुनाई देगी पतली, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो दिमाग होता है, ये तीनों चीज़ साथ में प्रोसेस करता है, ऐसा नहीं कोई एक उठा के करता है। ले तो हम लोग इसीलिए एक एक को समझ रहे हैं। सबसे पहले लाउडनेस, लाउडनेस हम लोग समझ गए। लाउडनेस देखो बुक में डेफिनेशन क्या दी हुई है, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ फेंट वन, बोथ वन हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। हम लोग जिस भी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को दोनों साउंड वेव के बीच में क्या कर देंगे, सेम रख देंगे। अब इसमें बोला है लाउड साउंड और फेंट साउंड को, यही डिस्टिंग्विश करेगा लाउड साउंड एंड फेंट साउंड। अब इस नहीं, फेंट मतलब होता है बहुत कम, सॉफ्ट, ठीक है, मतलब फेंट आप कह सकते हो, बेहोशी लेना है तो चलो बेहोश वाली आवाज़, जिसको होश नहीं है, जो पहुंच ही नहीं पाए कहीं तक, बेजान आवाज़। अब लाउडनेस का सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन है विद इट्स एम्पलीट्यूड। दो चीज़ों पे मैटर करती है लाउडनेस। फर्स्ट, द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब अगर मैंने एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ाया तो लाउडनेस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर मैंने एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स गिरा दिया तो लाउडनेस कितने टाइम गिरेगी, 4। 3 टाइम्स बढ़ाया तो 9, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहले की क्लासेस में पढ़े हैं,
बताओ कोई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हाईएस्ट भी बोल सकते हो आप। तो ये मैंने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया एक पार्टिकल के लिए। अच्छा, ये मैंने 9th में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि ये जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ये क्या डिपिक्ट करता है, किसी को पता है? हम लोग जो ऐसे ऐसी ग्राफ बनाते हैं इसका ये किस चीज़ को डिपिक्ट करता है? कोई भी चीज़ हम ऐसी बना रहे हैं, इस ये डिपिक्शन किस चीज़ का है? सर, हम लोग बेसिकली साउंड को दिखाने के लिए ये सब बनाते हैं। तो क्या ये साउंड वेव्स है कि कौन सी वेव्स है ये? पर साउंड वेव तो, साउंड तो ट्रैवल नहीं करती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? साउंड तो ट्रैवल नहीं करती ना, साउंड एनर्जी तो पार्टिकल को देते चली जाती है। स्पीकर, जो जो स्पीकर लगे हैं वो थोड़ी ना आपके कान तक आते हैं, वो तो पार्टिकल को वाइब्रेट कराते हैं टू एंड फ्रो मोशन में। तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर करके अपनी पोजीशन पे आगे पहुंचाते हैं साउंड एनर्जी को। तो ये फिर आगे चल क्या रहा है? कोई भी पार्टिकल ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से वहाँ तक चला हो। कोई गैस? तो ये वेव मिली कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ा क्लोज हैं आप। तो कितने एयर पार्टिकल्स? तब तो फिर अलग अलग ग्राफ बनना चाहिए, क्योंकि आगे चलते चलते तो ये डिस्प्लेसमेंट कम होता रहेगा। तो मैं पहले वाले पार्टिकल को बनाया, फिर दूसरे वाले पार्टिकल को बनाया। ये असल में होता क्या है कि जहाँ से निकला पहला पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है, हम लोग उसका मोशन शो कर देते हैं, और उसकी मदद से अब इसने, जैसे अगर मैंने साइकिल पूरी लगी हुई है, पहली साइकिल को जितने ज़ोर से धक्का दिया उससे पता चल जाता है, फिगर तो लग ही जाता है, फिगर आउट कर लेते हो आपकी कहाँ तक जाएगी साइकिल, गिरेगी कितनी जल्दी गिरेगी, ठीक है। तो ये पहले मोशन का पार्टिकल है, सामने और पीछे, ऊपर नीचे नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव तो आगे चलती है ना, ऊपर नीचे तो ट्रांसवर्स, तो ये तो ट्रांसवर्स हो जाती। तो ये डिस्प्लेसमेंट में, जैसे ये लगा होता है डिस्प्लेसमेंट अगर है, तो ऊपर सारे पॉजिटिव रहेंगे। जैसे अगर मैंने प्लॉट भी कर दिया, मान लो 1 2 3, ऊपर 3 सेंटीमीटर तक और नीचे 1 2 3, 3 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पे सेकेंड्स चल रहे हैं 0.1 सेकेंड, 0.2, क्या? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव, बहुत बढ़िया। पर ये टाइम नेगेटिव क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये सीधे इधर ही चलता है। हम लोग इसीलिए इसका ग्राफ पीछे नहीं चालू करते, पर ये असल में ग्राफ ही है ये। आप इस पे एरोज भी बना सकते हो। पीछे इसलिए नहीं बनाते क्योंकि नेगेटिव बनने नहीं वाला हो, ठीक है। 3 0.4 0.5 0.6। अब जब एक मोशन आगे पीछे चला ये अपनी मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। इधर चला दो सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, तो वही शो कर दिया। तो ये 0.1 सेकेंड में ऊपर गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया ऐसे, ठीक है। तो ऊपर गया 2 सेंटीमीटर तक, नीचे आया दो से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और अच्छे से बनाते हैं। ऊपर गया 2 सेंटीमीटर तक, नीचे आया 2 सेंटीमीटर तक, फिर ऊपर गया 2 सेंटीमीटर, फिर नीचे आया 2 सेंटीमीटर, ऐसे चल के चलती चली जा रही है। तो ये आगे पीछे का ही उसका मोशन है, ठीक है, जितनी बार उसने मोशन किया। तो यही शो करता है ग्राफ। तो पहले ही समझ लें कि ग्राफ शो क्या करता है। चलो अब बात करते हैं। हाँ? नहीं करता। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे नेचुरल वाइब्रेशंस का क्या है कि नेचुरल वाइब्रेशन तुम सुन ही नहीं सकते हो, जो भी फ्री वाइब्रेशंस है। तो ये हाइपोथेटिकल बेसिक थ्योरी है कि वहाँ पे अगर कोई वेव, आपने वेव जितनी एम्पलीट्यूड की निकाल दी, वो सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी के साथ चलती चली जाएगी, लेकिन आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है। अब अगर आप बोलो कि नहीं सर, सामने मैंने कोई पेपर रख दिया, वो अगर जितना ऑस्किलेट किया, या फिर सामने मैंने पेंडुलम रख दिया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करा के जितना वो वाइब्रेट कर गया कर गया, मैं देख लिया उसका एम्पलीट्यूड, लेकिन मीडियम ही नहीं है, तो यहाँ से वहाँ तक जाएगी कैसी चीज़?
तो वो आप शो नहीं कर सकते, वो बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डैम्ड वाला ही आप शो कर सकते हो, थ्योरी है, और जो कि सही भी है। नहीं, गलत तो नहीं होगी, बात तो एकदम सही है कि वैक्यूम में क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जितने एम्पलीट्यूड से साउंड निकली वो उतने ही एम्पलीट्यूड को मेंटेन करके, उतनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके आगे चलती चली जाएगी। बनी बनती नहीं है, तो ये तो है, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि साउंड आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि ट्रैवल, साउंड बन तो जाएगी लेकिन ट्रैवल नहीं कर पाएगी। आप एक स्पीकर चला तो दोगे तो उसकी एनर्जी को वहाँ, यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए ही कोई नहीं है, इस वजह से आपको वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है तो वो थ्योरी ही। चल तो अब ग्राफ किस चीज़ की प्लेसिंग है वो समझ में आ गई, तो अब चीज़ें और शायद अच्छे समझ में आई। तो ये देखा जाए तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सेस है, और ये वाला कौन सा एक्सेस है? हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख दिया करो, और यहाँ पे टाइम, ये हो गया। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजिशन से कितना ज़्यादा उसने डिस्प्लेसमेंट किया एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ। अब हमें पता है, जैसे हमने एक ट्यूनिंग फोक लिया, अब मैंने ट्यूनिंग फोक को जितनी तेज़ी से स्ट्रक किया उतनी तेज़ आवाज़ निकालेगा। कोई भी चीज़ हो, मैं जितनी तेज़ी से उस पर पटकूँ उतनी तेज़ आवाज़ निकालेगा। उस ऐसा क्यों? सिंपल सा आंसर है कि मैंने उतनी तेज़ वाइब्रेशन निकाली। बताओ, जैसे मैंने चाटा मारा किसी को, है ना, तो जितनी तेज़ चाटा मारूंगा उसका चेहरा उतनी दूर तक ऐसे जाएगा। तो वही तो ये ट्यूनिंग फोर्क भी तो फोर्स वाली बात है, जित एनर्जी ही बात है। मैंने जितनी एनर्जी से स्ट्रक किया उतनी एनर्जी उसमें ट्रांसमिट हुई। हाँ ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल या फिर जिसमें भी कन्वर्जन हो रहा है उस पर नहीं ध्यान देते हैं, स्केल ले लिया। अब मैंने इसको जितनी तेज़ी से इसको स्ट्रक किया इतना ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन आया। अब अगर वाइब्रेशन छोटा छोटा है तो साउंड भी धीमे सुनाई देगी, मतलब मैंने बहुत धीमे से किया तो थोड़ा वाइब्रेशन आया। जैसे थप्पड़ धीमे से मारा तो सर बहुत धीमे से हिला, तो इफेक्ट नहीं पता चला। तेज़ी से थप्पड़ मारा, सर बड़ा तेज़ी से हिला, मगर वो वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे ऐसे नहीं होता रहेगा। इसको अगर करता हूँ, अब ट्यूनिंग फोर्क है नहीं, वरना बड़े अच्छे समझ में आ जाता। ट्यूनिंग फोर्क से आपको वाइब्रेशन बड़ा अच्छा सुनाई देता, लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप जितनी तेज़ी से वाइब्रेट कराओगे वो उतनी ज़्यादा साउंड भी देगी आपको, उतनी लाउड साउंड देगी, है ना। जैसे हमको कोई आवाज़ दूर तक अगर पहुंचानी है तो हम चिल्लाते हैं, तो आपको क्या लगता है चिल्लाने से ऐसा क्या होता होगा? हाँ, आपका ये जो वॉइस बॉक्स है ना, और तेज़ी से वाइब्रेट अंदर करने लगता है। अब ये वाइब्रेशन से क्या होता है, जितनी तेज़ी स्ट्रक करो उतने बड़े वाइब्रेशन। अब पहले मान लिया हमने थोड़ा सा स्ट्रक किया तो ये जो वाइब्रेशन था सिर्फ ऊपर 1 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक। ठीक है, अब हमने तेज़ कर दिया उसको, तेज़ी से स्ट्रक किया। अब ये ऊपर 5 जा रहा है, नीचे 5 जा रहा है, ऊपर 5 नीचे 5, ऊपर 5 और नीचे 5, तो ये साउंड बड़ी लाउड होगी, इस साउंड में एनर्जी बहुत ज़्यादा दे दी गई है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें ऐसा नहीं किया, ये सेम था हमारी दूसरी वॉइस पे भी, हमने इसकी पिच के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ऐसा नहीं होगा कि पिच बदल जाएगी, देखो ये भी उतने ही 1 सेकंड में, अगर ये 1 सेकंड है फॉर एग्जांपल, अगर ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, तो वेव तो अभी भी 1 सेकंड में एक ही वेव बनी, लो पिच वाले की भी ये लो पिच है। अच्छा, एम्पलीट्यूड यही है, मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक यही है आपका एम्पलीट्यूड, यही है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमारी जो लो पिच वॉइस थी, नहीं, लो नहीं, हाई, ये पिच की तो बात ही नहीं, जिसका एम्पलीट्यूड कम था, लो एम्पलीट्यूड वॉइस ये वाली, इसकी एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड कम, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होगा कि जिसका एम्पलीट्यूड मैंने बढ़ा दिया उसकी पिच पे कोई फर्क आएगा, वो एक अलग चीज़ है। जैसे एक लड़की जिसकी पिच बहुत ज़्यादा है, पिच का डायरेक्ट कनेक्शन फ्रीक्वेंसी से होता है, उसका ये तो नहीं कि वो दूर तक नहीं आवाज़ पहुंचा सकती है अपनी। और कोई जिसकी आवाज़ बड़ी भारी हो, ऐसा नहीं है वो भी नहीं पहुंचा सकता, है ना। दोनों लोग ही, जिसकी भी आवाज़ भारी या पतली हो, दोनों लोग ही बड़ी सॉफ्ट बात कर भी सकते हैं,
लाउड भी बात कर सकते हैं। तो ये कभी मत सोचेगा कि अगर मैंने एम्पलीट्यूड को ऐसा कर दिया तो एक लो पिच वॉइस ऐसे ऐसे चल रही थी, अब ये ऐसे ऐसे चलने लगी तो लंबी लंबी चलने लगी। नहीं, दोनों पे कोई इम्पैक्ट नहीं लाएगा, ठीक है। तो पिच की बात नहीं करते हैं, सिर्फ एम्पलीट्यूड, ये है। अब यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक। अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो वी विल कैलकुलेट एम्पलीट्यूड इन मीटर। एम्पलीट्यूड जितना भी ऊपर गया उतना नीचे भी आ जाएगा, तो इसको मीटर में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। और ए से डिनोट करते हैं। और इसका कनेक्शन कैसा है लाउडनेस के साथ? हाँ, और कैसा है स्क्वायर का रिलेशनशिप? अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले की जो वेव थी, पहले की वेव मैंने बोला 1 सेकंड जा रही थी, अब मैंने उसको बढ़ा के 5-5 सेकंड कर दिया, तो आप लोग बताओ कि लाउडनेस कितने टाइम्स बढ़ी? पहले वेव की जो एम्पलीट्यूड थी वो 1 सेंटीमीटर थी, अब वेव की एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द लाउडनेस? नहीं, नहीं बेटा, बस दो आई नहीं सुन पाए, तीसरी बार भी नहीं सुन पाओगे। 25 बार बढ़ जाएगी, द लाउडनेस विल इंक्रीज बाय 25 टाइम्स। देखो 1 सेंटीमीटर वाली हमारी वेव ऐसी है ना, 5 सेंटीमीटर वाली वैसी। तो अब हम लोगों ने लाउडनेस का कनेक्शन देखा कि स्क्वायर टाइम्स है, तो लाउडनेस पहली वाली एम्पलीट्यूड पे वो जब 1 रख रहे थे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो लाउडनेस अगर कोई प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हम लोग के ले लेते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, हम लोग इज इक्वल टू ही लगा देते हैं यहाँ पे। वैसे तो बुक में बताएगा कि एल इज इक्वल टू के लॉग 10 इंटेंसिटी, पर वो सब नहीं आने वाला एग्जाम में, तो इसको इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर। अब जब एम्पलीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ा तो एल इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, तो पहले 1 टाइम थी, अब 25 टाइम बढ़ चुकी है, ठीक है, इतने टाइम्स बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इफ वी विल इंक्रीज द एम्पलीट्यूड बाय 4 टाइम्स, हाउ मच विल द लाउडनेस इंक्रीज और डिक्रीज? तो क्या आंसर होगा? 16 टाइम्स क्या इंक्रीज होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका चक्कर समझ में आया? चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। उसके साथ ही फिर क्वेश्चन भी ले लो अगर समझ में आया तो। क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, मैंने और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ये दो वेव्स हैं, अगर दोनों में कंपेयर करना हो लाउडनेस, तो लाउडनेस किसकी ग्रेटर है, है ना, समझ में आ रहा है? ऐसे कंपेयर करोगे। अब मैं अभी तो सिर्फ लाउडनेस ही पढ़े, लेकिन आगे चल के बुक में इसी दोनों वेव्स में तीनों चीज़ें पूछ लेगा। वेव थोड़ी अलग भी होगी, तो बड़ी सिंपल वेव्स हैं। तो अब पिच पे चले जाते हैं, लाउडनेस में कोई डाउट? ठीक है, तो अच्छा नहीं, लाउडनेस अभी एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, दैट इज़ द डिस्टेंस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं हम लोग, लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। और ये एक कॉमन, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है, तो बिना पढ़े इसको आंसर करने की कोशिश करिए कि क्या क्या इसका रिलेशनशिप होगा डिस्टेंस के साथ। अच्छा, इनवर्स रहेगी, मतलब हाँ, ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन ना। अब जितना मैं दूर जाते जाऊँ, पहले या तो आप बोलते बोलते दूर चले जाइए, या फिर कोई स्पीकर से आप ही दूर चले जाइए, उसकी लाउडनेस तो कम होती जाएगी, है ना। तो इसका इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, और वो भी स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर मैंने डिस्टेंस 4 मीटर बढ़ा दिया आपकी और उसके बीच, तो लाउडनेस कितनी गिर जाएगी? हाँ, 4 मीटर, पहले 1 मीटर की डिस्टेंस थी आपके स्पीकर में, अब 4 मीटर की डिस्टेंस है आपकी स्पीकर, 16 टाइम गिर जाएगी। हाँ,
अब दोनों क्वेश्चन साथ में पूछे कि अगर मैंने वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाया 3 times और आपके और स्पीकर के बीच में, मतलब दोनों अलग अलग पार्ट है क्वेश्चन के, दोनों साथ में नहीं है, और आपके और स्पीकर के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दिया 2 times, तो पहले बताइए एम्पलीट्यूड वाले में क्या फ़र्क आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, और डिस्टेंस पे कम हो जाएगी। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है, लेकिन पूछता भी है तो बस 5 times क्या हुआ, बढ़ गया। हाँ पहले 5 times बढ़ी, फिर उसके बाद 9 times, हाँ 9 times बढ़ी, उसके बाद 4 times घटी, तो 5 times ओवरऑल, पर ये साथ में नहीं देगा, दोनों अलग अलग ही देगा, डिपेंड करेगी काफ़ी चीज़ों पे। अगर आपने स्पीकर्स, दोनों का अलग अलग कनेक्शन ही रहेगा, ठीक है, नहीं पूछेगा। और भी चीज़ें हैं, देखिए लाउडनेस डिपेंड करेगी, 2 main चीज़ें समझ लिए, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है द लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सर्फेस एरिया, लाउडनेस विल इंक्रीज व्हेन द सर्फेस एरिया विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या, जैसे आपने ड्रम देखा होगा, ड्रम जितना बड़ा उतनी लाउड साउंड निकालता है, जैसे जो मार्च पास के लिए ड्रम यूज़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अब ये तो ये टेबल देखिए, दोनों टेबल है, इस टेबल पे मैंने किया और इस टेबल पे किया, तो इस पे ज़्यादा लाउड आवाज़ सुनाई दी, तो अगर सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया तो आपको ज़्यादा क्या हो गया बेटा, तो ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देगी, तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या क्या क्वालिटी, हाँ डेंसिटी, उसके बाद डेंसिटी पे भी आते हैं, लेकिन जब तक दो सेम डेंसिटी की चीज़ें एक का सरफेस है, जैसे इसलिए मैंने ड्रम का एग्जांपल लिया, दोनों लोग सेम क्वालिटी के ड्रम हैं, सेम तरह की शीट यूज़ की गई है, एक की शीट लंबी है, ड्रम्स में क्या है, शीट ही तो है, प्लास्टिक की शीट होती है, फट जाती हैं जब ड्रम को बहुत तेज़ी से करो, फट भी जाती है। ठीक है, अब लाउडनेस का डेंसिटी के साथ कनेक्शन, लाउडनेस विल इंक्रीज व्हेन द डेंसिटी विल इंक्रीज। हाँ डेंसिटी मतलब कितने ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। नहीं बेटा हम लोग ये अभी तक पढ़ते आए हैं, तो बड़ा बहुत गंदी चीज़ तुमने कह दी, साउंड से ज़्यादा तेज़ हम लोग को वाटर में आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब लाउडनेस ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो वाटर में ऐसा क्या है, है ना। ये तो एक एक लाइन इसने बस एक ही लाइन में समझाई कि मोर द डेंसिटी मोर द लाउडनेस। फिर उसके बाद हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, लाउडनेस विल ऑल्सो डिपेंड इन द ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजोनेंट बॉडी। लाउडनेस रेजोनेंट मतलब जो रेजोनेट कर सके, जैसे मैंने इस स्केल को किसी भी लाउड किसी भी एम्पलीट्यूड पे स्टक कर दिया, ऐसे चल रही, अब इसके बगल में अगर कोई रेजोनेटिंग बॉडी नहीं है, जैसे कि है भी नहीं, लेकिन अगर मैं इसी के जैसे जैसे इसका एग्जांपल नहीं ले सकते, इनका एग्जांपल, इसको मैंने स्टक किया तो पहले ये किसी एम्पलीट्यूड पे ऐसे ऐसे चल रही है, इसकी कुछ एम्पलीट्यूड है, अब अगर इसके अगल बगल कोई रेजोनेटिंग बॉडी है जिसने इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर ली, अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच कर दी, है ना, लाउडनेस मैच कर गए, हाँ रेजोनेंस, तो रेजोनेंट मतलब वही होता है रेजोनेंस, ठीक है। तो जो बॉडी रेजोनेट मतलब जो रेजोनेंस शो करती है उस बॉडी को ही रेजोनेंट कहते हैं, ठीक है, या फिर रेजोनेटिंग बॉडी। तो विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ रेजोनेंट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ एनी रेजोनेंट बॉडी। ये पॉइंट समझ में आया, चलो अगर रेजोनेंस क्लियर है तभी ये पॉइंट समझ में आएगा, रेजोनेंस अच्छे से पढ़ा ना घर जाके कुशाग्र, रेजोनेंस पढ़ा, क्या होता है रेजोनेंस, पढ़ना बेटा। अब देखो लाउडनेस मैंने बोला सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और लाउडनेस को हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल्स में, ठीक है, लाउडनेस is measured in
डेसिबल्स, डी बी ऐसे शो करते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी, और इसको हम लोग फोन कहते हैं, ठीक है, इसको एब्रीवेट करते हैं फोन से। देखिए इसमें बताया ना कि द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फोन एंड द लेवल ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, ठीक है, तो डेसिबल में शो करते हैं। अब जैसे जो हमने बोला कि सबसे फेंट साउंड जो मानी गई है वो है एक पिन, पिन की, जब हम लोग पिन गिराते हैं, तो कभी स्कूल में बोलते हुए सुना है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, तो मतलब इतनी साइलेंस रखो जितनी पिन ड्रॉप होने पे आती है। अब कोई भी चीज़ स्ट्रक की है वाइब्रेट करेगी, तो मतलब पिन ड्रॉप करने पे भी आवाज़ तो निकलती है, तो पिन ड्रॉप करने पे ही जो साउंड है उसी को सबसे कम साउंड मानी गई, और उसको हम लोग जीरो डेसिबल माने, इवन दो इट इज़ नॉट जीरो डेसिबल, कुछ तो उसमें एम्पलीट्यूड आ ही जाएगा एकदम माइन्यूट, तो उसमें कुछ तो साउंड होगी, जैसे हम लोग अगर एक माइक्रोफोन से सुन लें तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन इसी को सबसे कम माना गया। तो ये पिन ड्रॉप का साइलेंस है, मतलब पिन ड्रॉप का साउंड है, साइलेंस बोल रहा हूँ मैं भी, इतना सुन लिया हूँ ना पिन ड्रॉप साइलेंस, गलती से मुँह से पिन ड्रॉप का साइलेंस निकल रहा है, पिन ड्रॉप का साउंड है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हम लोग विस्परिंग करते हैं खुसुर पुसुर, हाँ नहीं 30 डेसिबल सही बोला, ये बड़े अच्छे से पता है तुम्हें, अच्छा देख के बता रहे हो, हमें लगा कि मेजर किए हो अपना, ठीक है चलो। और जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है 50 डेसिबल पे होती है, ठीक है, और जो हेवीएस्ट जैसे जो कार का सायरन होता है, हाँ कार का सायरन 120, हाँ 120 पे है कार का साइलेंस, सायरन का साइलेंस इतना, अब वो इतना सबके साइलेंस है जो आप तो पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, पंजाबी धमाका, हरियाणवी, हरियाणवी डॉल्फिन और फलाना ढिमकाना, हाँ इसका क्या मतलब है, हमने कुछ नहीं करवाया भैया, जो है वो है, और इससे ज़्यादा आवाज़ हमको पसंद भी नहीं है, एक तो हमारे जान पहचान में आता है, बाप रे बाप, एक तो R15 लिया है, मैं जौन सा एग्जॉस्ट लगा लिया उसने, बाप रे बाप, 1 किलोमीटर से आवाज़ सुनाई दे देती है, उसके सामने बुलेट हाले सब फेल, इतनी आवाज़ करती है वो, पता नहीं क्या मिल जाता है लोगों को। अब पुलिस से पकड़ा भी बहुत गया है, पुलिस पे पकड़ा भी बहुत गया है, बहुत चलान उसके हैं, बोलता है आवाज़ तो आनी ही चाहिए, बोला घर में कैसे तुम, मान लो तुम लेट से गए तो घर में कैसे तुम करो, बोलेगा गाड़ी बंद करके खींच के ले जाते हैं, ठीक है। और सबसे लाउड साउंड, हाँ जेट की होती है, ठीक है, जेट जब टेक ऑफ कर रहा हो। अब जो भी 120 के ऊपर की साउंड है, ठीक है, साउंड जो 120 डेसिबल के ऊपर है उसको हम लोग नॉइज़ कहते हैं, इट इज़ ट्रीटेड एज नॉइज़। तो ये कार सायरन बस थोड़ा सा बचा हुआ है नॉइज़ में आने से, और नॉइज़ करने से गवर्नमेंट मना करती है कि नॉइज़ अगर होगी तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, तो कोई भी साउंड 120 डेसिबल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। हाँ उससे भी क्या होता है, अच्छा हॉर्न से कैसे हो जाता होगा, कोई गेस करेगा, अब हॉर्न से तो मैक्सिमम निकलता होगा 80 डेसिबल्स, लेकिन बहुत सारे हॉर्न मिलते हैं तो बड़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगती है, कान फटने लगता है। मान लो बहुत सारी गाड़ियां हैं, अब 2-3 गाड़ियों का तो सेम हॉर्न हो गई तो रेजोनेंस हो जाता है दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा डुअल, हमको लगा एक ही गाड़ी का बता रहे हो, हाँ एक गाड़ी में भी, ये भी मैंने देखा है, हाँ एक गाड़ी का भी मैंने देखा है कि 5-6 हॉर्न लगा देते हैं एक ही तरीके के। अच्छा ट्रेन में भी, ट्रेन में भी आप देखेंगे कि 2 वो निकला रहता है, जो प्रेशर हॉर्न होते हैं 2 निकले, तो 2 क्यों, एक बड़ा सा क्यों नहीं, क्योंकि 2 क्या करेंगे, वो रेजोनेट करेंगे आपस में और एक लाउडर वॉइस निकालेंगे। तो ये सब फिजिक्स डेली लाइफ में बहुत यूज़ की जाती है। तो इतनी बात हुई हमारी किसकी, लाउडनेस की। अब आ जाते हैं पिच पे। पिच,
pitch is the characteristic of a sound which helps us to distinguish between a soft voice and नहीं दोनों एक ही बात हो जाएगी सॉफ्ट एंड अ श्रिल वॉइस या फिर श्रिल के साथ इसको नहीं नहीं सॉफ्ट तो उसका साथ है यार सॉफ्ट और लाउड है ये श्रिल और ग्रेव श्रिल एंड अ ग्रेव वॉइस ग्रेव हाँ भारी ठीक है श्रिल एंड ग्रेव वॉइस ठीक है इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने में मदद करती है इन दोनों का और भी एक एक टर्म यूज़ किया गया है कौन कौन सा वो टर्म है श्रिल और फ्लैट अक्यूट और ग्रेव ठीक है हाँ इसका आंसर तो अभी अभी बताया ना बेटा अक्यूट क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा ना अक्यूट श्रिल उल्टा उल्टा अक्यूट और ये वाली फ्लैट ठीक है ये दोनों टर्म भी दिया गया है अक्यूट और फ्लैट तो ये दोनों वॉइसेज हैं ठीक है अब मैं ये सब याद करने में दिक्कत हो रही तो एग्जांपल लिख देते हैं एग्जांपल वुमेन वुमेन्स वॉइस एग्जाम्पल मेन्स वॉइस अरे एकदम मर्दों वाली आवाज है तुम्हारी सिग्मा अल्फा जो भी तुम बुलाना चाहो अपने आप को वो वाली आवाज है ठीक है स्टूडियो चले जाओ चलो पिच अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन है फ्रीक्वेंसी के साथ पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है कि एक एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है वाइब्रेशंस इन वन सेकंड या फिर टू और फ्रो मोशन इन वन सेकंड तो जैसे मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किया अब यहाँ पे 0.1 0.2 ऐसे कर करके यहाँ पे वन सेकंड आया ठीक है 0.10 हो गया तो उसी को हम लोग ने वन सेकंड माना अब इसके बीच में इसने कितनी वेव्स कर ली क्या पता इसने ऐसे ऐसे कर ली हो है ना इसका पिच बहुत ही हाई हो गया क्योंकि ये फ्रीक्वेंस अब मैंने दूसरी वेव बनाई जो कि इतनी वेव चला रहा है ठीक है अच्छा इसमें आप लोगों को फिर एम्पलीट्यूड की दिक्कत होगी तो अब मैंने सेम एम्पलीट्यूड रख दिया सबका लेकिन उनको दूसरे कलर ही से बना दे रहा हूँ इन सबका एम्पलीट्यूड इतना गया है तो सेम एम्पलीट्यूड की एक दूसरी वॉइस बनाया मैंने तो इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वाइब्रेशन इसकी है और इसकी 1.5 वाइब्रेशन है ना तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इसका डायरेक्ट कनेक्शन है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच भी ज्यादा ठीक है हाँ की पिच ज्यादा वो श्रिल आवाज है अच्छा उसमें लाउडनेस वाले पे एक चीज हम लोग कवर नहीं किया जो कि होती इंटेंसिटी अब ये सारी चीजें तो सब्जेक्टिव है तो किसी को कोई चीज लाउड लगेगी और किसी को कोई चीज लाउड नहीं लगेगी जैसे कोई एक ही बंदा गाना चला रहे हो तो पड़ोसियों को तो उसकी आवाज बड़ी लाउड लगेगी लेकिन उसको नहीं लगेगी वो लाउड तो एक फिक्स चीज लाने के लिए हम लोग एक टर्म लाते हैं इंटेंसिटी 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 क्या होता है ये होता है कि किसी भी मीडियम से जैसे स्पीकर निकला उसके आगे हम लोग कोई चीज रख देंगे मान लीजिए कोई मेटल शीट और इसमें से जितनी साउंड एनर्जी पास कर गई वो मेजर कर देगी हमारी इंटेंसिटी और इसको भी हम लोग डेसिबल्स में ही लाते हैं तो ये सारी हो गई इंटेंसिटी इन्हीं सबको हम लोग बदल देंगे इंटेंसिटी में मतलब एक मीडियम को लाए हम लोग सामने और जितनी साउंड एनर्जी पास कर गई वो बता देगी उसकी इंटेंसिटी तो हम लोग एक और ये ऑब्जेक्टिव है अगर इंटेंसिटी किसी चीज़ की बता दी गई इतनी है
तो वो उतनी है, क्योंकि वो तो साउंड एनर्जी को मेजर कर रही है, वो जो आपके लाउडनेस को नहीं मेजर कर रही, वो साउंड की एनर्जी को मेजर कर रही है कि वो कितना वाइब्रेट करा पा रहा है। जितना वाइब्रेट किया उतना उसका एम्पलीट्यूड हाई। शीट एकदम आप मतलब थोड़ा सा ही दूर रहेगा स्पीकर से और परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब वेव ऐसे निकलेगी या ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये होता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो बताया गया ये सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया इंटेंसिटी में, हाँ नहीं बताया गया। और एक डेसिबल को डिफाइन किया गया है, जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बताया गया है कि हमारा है एनर्जी, एनर्जी पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया ऑफ एनी मीडियम, तो एरिया का स्क्वायर इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। टाइम इसको भी टी ले लेते हैं, टाइम नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता, ये बस समझा रहा हूँ आपको। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, जूल, और ये एरिया मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड, जूल पर सेकंड बना देता है क्या, वॉट, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो वॉट मीटर माइनस टू, ये हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला है, उसकी एसआई यूनिट है। और जीरो डेसिबल जो होता है उसकी इंटेंसिटी होती है 10^-22 वॉट मीटर माइनस टू की ना। तो जीरो डेसिबल इज इक्वल टू, ये सब बुक में बताया नहीं है लेकिन समझ जाओ, तो जीरो डेसिबल होता है इतने बराबर 10^-12 वॉट मीटर पावर माइनस टू की। और जब हम लोग इसी को 1 डेसिबल करते हैं तो क्या होता है, 1 डेसिबल का मतलब है इसी में, मतलब 10^-12 को आपने बढ़ा दिया बाय 26% ऑफ व्हाट, ऑफ इतना ही, ऑफ 10^-12। तो जब जब आप 1 डेसिबल बढ़ाओगे तो पुरानी वाली डेसिबल में आप 26% ऐड करते जाओगे, ठीक है। अब मैंने 2 डेसिबल कर दिया, उसका मतलब क्या, या तो आप 52% ऑफ इतना बढ़ा लो, या तो 26% ऑफ जो ये आएगा इसका भी बढ़ा दो, ठीक है। तो ये एक चीज बताया है कि 1 डेसिबल इज डिफाइंड एज इंक्रीजिंग 26% ऑफ द प्रीवियस डेसिबल वॉइस, ठीक है, ये चीज बताई गई है। देखिए, 1 डेसिबल इज डिफाइंड एज अ इंक्रीज इन लेवल ऑफ लाउडनेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, नहीं 0 से 1 तक का बताया है, उसके बाद जी हाँ हाँ वो रहेगा, ठीक है। चलिए इतनी बात होगी, इसको जाने देते हैं, इतना ही नहीं बताया बुक में, बुक में सिर्फ 26% का नाम लिया है। पर ये 0 डेसिबल की हम लोग इंटेंसिटी भी जान लिए कि ये होता है, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी पता चल गया कि ये होता है, उसके डेफिनेशन में ही उसका फॉर्मूला क्लियर था। अब पिच की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पिच का बस एक चीज़ के साथ कनेक्शन है, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। अब मैंने अगर 2 वॉइसेस ली, इनका एम्पलीट्यूड पहले बराबर कर देते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड लगभग बराबर है, बाकी तो ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। तो पहली वाली की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी, ठीक है, एक ही वेव बना देते हैं, ये हाफ वेव में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरे वाले की सेम एम्पलीट्यूड के साथ है, एक वेव, 2 वेव, 3 वेव। अब दोनों में अगर पूछूं, आप कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में कर सकते हैं। अगर मैंने पूछा बताओ कौन सी ज़्यादा हाई पिच वॉइस है, आउट, इसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है, यू आर आउट। आयुष,
दोनों की हाई, दोनों में से हाई पिच वॉइस कौन सी है? सेकंड वाली। दोनों में लो पिच वॉइस? चलो ये अच्छा, वो किसी ने गलत नहीं बोला। और दोनों में से लाउड वॉइस कौन सी है? सेम है। क्यों? एम्पलीट्यूड बराबर है। ठीक है, ये सब ध्यान देना, एम्पलीट्यूड बराबर है। और देखो इसमें एक ही वाइब्रेशन हुई, एक, इसमें कितनी हो गई? एक, दो और तीन, तीन वाइब्रेशंस हो गई। ठीक है, तो पिच, अब ये सेकंड, तो यार अगर यहाँ पे ये वन सेकंड लिखा है, ये उस टाइम तो बताएगा। अगर ये एक, हाँ अगर ये एक ही सेकंड होता तब ठीक है, मतलब एंड में इसको भी मुझे वन सेकंड, वैसे तो ये थोड़ा लंबा है तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के लास्ट में वन सेकंड ही है। हाँ दोनों के लास्ट, ऐसा नहीं है कि अब ये दो सेकंड हो गया। अगर मैं इसको तीन सेकंड यहाँ पे लिख दूँ ना, चलो ये ट्रिक क्वेश्चन, हाँ तब सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा है, थोड़ा बहुत ट्रिक क्वेश्चन हो गया, पर ये टाइम नहीं देगा वो कभी। ठीक है, तो जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो नहीं बोला जाता, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा, तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसकी पिच ज़्यादा, हैंस इट इज़ अ श्रिल वॉइस ना, श्रिल और ग्रेव वॉइस यूज़ करना। वाह, फर्स्ट वाली श्रिल है बोला आपने, चलिए ठीक है, थोड़ा तो आपने एम्पलीट्यूड कम रखा ना अपनी आवाज़ का, दूर तक आवाज़ नहीं आई। और एम्पलीट्यूड से ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने घटाने से अल्लाह उसका श्रिल या फिर उसका कोई कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है ना, उनका वॉइस बॉक्स ज़्यादा वाइब्रेट तेजी से करता होगा तो एम्पलीट्यूड बड़े प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनकी वॉइस कुछ ऐसी ही है ना। नहीं इसमें तो सेम लाउडनेस आ गया, आप ऐसे समझिए कि इसी को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दिया। तो वही तो उन्होंने बोला, लड़कियों और लड़कों में ऐसा क्यों होता है कि उनकी दूर तक सुनाई दे रही है। हाँ नहीं तो अगर, एम्पलीट्यूड से कनेक्शन है उसका, उसका पिच से कनेक्शन नहीं है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से कितनी दूर आवाज जाएगी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी पतली या भारी आवाज होगी उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्शन है। हाँ पर ऐसा नहीं कि पतली आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, अगर पतली आवाज़ का एम्पलीट्यूड कम है तो वो कम ही दूर तक जाएगी, और पतली आवाज़ के एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तब वो दूर। भारी आवाज़ की भी अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दिया, कोई अगर जिसकी बहुत भारी आवाज़ है वो क्या दूर तक नहीं किसी को बुला सकता है? बुला सकता है, मेरी आवाज़ भारी है, चलो अच्छा लगा सुन के। हाँ इसकी भी बहुत भारी है, दब ना जाए हम लोग। किसकी ज़्यादा भारी है? इसकी मुझसे ज़्यादा भारी है, वाया। चलो यहाँ पे इससे कुछ होने वाला नहीं, ये तो मार्क्स देगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बस कलम की भार चलेगी। वाह शायराना, कलम का भार, कलम का भार बढ़ाओ आवाज़ का नहीं। सही बात भी भाई, कलम जितनी देर तक चलेगी दूर दूर तक, उससे ही मार्क्स मिलने वाला, कलम का एम्पलीट्यूड बढ़ाना। हाँ ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्वालिटी पे आ जाते हैं, क्वालिटी रिकग्नाइज करना आसान, बस बेटा इसको करके ही छोड़ दे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश कराएगा हमारा म्यूजिक एंड नॉइस के बीच में। तो जो भी म्यूजिक होगा उसकी जो वेव्स होंगी वो, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ठीक है, दिस ओनली डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म, वेव की जो फॉर्म होगी। अब वेव फॉर्म अगर पीरियोडिक है, मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से वेव ऐसी निकली है और ये पीरियोडिकली ही चल रही है, ठीक है,
ये म्यूजिक है, लेकिन अगर किसी से वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की निकली है लेकिन वो पीरियोडिक नहीं है, मतलब कभी ऐसी जा रही है और कभी ऐसी चली जा रही है, तो दिस इज नॉइज, जिसका वेव फॉर्म ही अलग है। एम्पलीट्यूड पर ध्यान मत दो, सब कुछ सेम ही है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों लोग की, लेकिन जिसका वेव फॉर्म अलग हो गया वो क्या है, नॉइज है। अब जैसे म्यूजिक में ये एक पीरियोडिक साउंड है जो काफ़ी बार पूछी जाती है कि ये बताओ ये किसकी साउंड है, तो देखो पहली बात तो पीरियोडिक है सब कुछ, तो मतलब ये एक म्यूजिक है और ये एक पियानो की साउंड है, पियानो का वेव फॉर्म ऐसे ही होता है, ठीक है। और नॉइस का तो कैसा भी बना दो, नॉइस का ऐसा 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 बना दो, पर पीरियोडिक मत बना देना, मतलब नॉन पीरियोडिक बनाना, जिसका वेव फॉर्म बिल्कुल भी पीरियोडिक ना चले, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बीच में पता चलता है हम लोग को क्या, म्यूजिक और नॉइस के बीच में डिस्टिंग्विश करने में आसानी होती है। असल में जैसे आपका वो तो सब्जेक्टिव हुआ लाउडनेस, तो वो लाउडनेस की वजह से नॉइज़ है। कुछ कुछ लोगों को, जैसे सबको एक तरह का म्यूज़िक भी नहीं समझ में आता, किसी के लिए ये तो पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। लाउडनेस को तो तब भी हम इंटेंसिटी में ले जाके ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ये तो पूरी तरह सब्जेक्टिव है। किसी के लिए ये वेव फॉर्म ही म्यूज़िक है। मैं किसी को अब केपॉप पसंद हो कोरियन, और किसी को बड़ा ईडीएम पसंद हो, ईडीएम भी आ गया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक होता है ना डिक्चिक डिक्चिक, और नहीं यार ईडीएम ही कहते हैं ना उसे, अरे जैसे वो नहीं बनाते हैं वो एनसीएस वाले नो कॉपीराइट साउंड, और अरे वो क्या होता है जो समझ रहे हो, हाँ सिर्फ बीट्स होती हैं है ना, अब एकदम इलेक्ट्रिकल बीट्स होती हैं, तो उनका कुछ ऐसे कोई वेव थोड़ी ना है, एक बीट जो सुनाई दी वो गाने में एक ही बार सुनाई दी है, तो उसने ऐसी बीट, दूसरी बीट बड़ी अलग उससे है ना, तीसरी बीट उससे भी अलग, चौथी बीट अलग, तो उसमें कोई पीरियोडिक तो है नहीं, पर किसी को ये यही सुनता रहता है वो ईयरफोन लगा के। और कोई अगर बड़ा अच्छा गाना सुन रहा है अरिजीत सिंह का, अब अरिजीत सिंह की वॉइस थोड़ी ना अचानक से बड़ी हाई पिच हो जाएगी लो पिच हो जाएगी, वो कुछ भी करेगा उसका वेवफॉर्म तो पीरियोडिक चलेगा ना, मतलब अगर उसने कुछ भी गाया तो जितनी देर वो उस लाइन को गा रहा है वो उसी सेम एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी में गाएगा ना, वेव फॉर्म सेम चलाएगा अपनी, तो थोड़ी देर ऐसे चलाए भले उसने बदल लिया, लेकिन वो जो कुछ सेकंड के लिए गाएगा वो सेम वेव फॉर्म से गाएगा। हाँ अब ये वो चेंज तो करेगा ही अपनी वो फ्रीक्वेंसीज है ना, एम्पलीट्यूड भले ना चेंज करे, लाउडनेस सेम रखे, लेकिन फ्रीक्वेंसीज चेंज करेगा। जब आप सुर बदलते हो ऊपर, यानी बोलते हैं ना ऊपर का सुर है, ऊपर का सुर मतलब क्या, हाँ हाई पिच, बहुत बढ़िया, ठीक है, उसी को तार सप्तक का सुर कहते हैं। जैसे आपका एक मध्यम सप्तक होता है उसके ऊपर तार सप्तक आता है, तो आपका जो सा से सा पहले गया, छोड़िए अच्छा अब तो वेस्टर्न म्यूजिक चल गया है, तो बस ऐसे ही है कि जो हाई पिच होगा उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन जो वेव फॉर्म है वो पीरियोडिक चलेगा, मतलब अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी से भी गा रहा है तो वो सेम पीरियोडिक। तो ऐसा नहीं है कि जो हाई पिच गाएगा उसकी आवाज़ हमें म्यूजिक नहीं सुनाई देगी, तो ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। वेव फॉर्म सेम रहेगी जितना भी वो गा रहा है। अब जो जिस बोलते ना इसको गाना नहीं आता है, वो गाना क्यों नहीं उसका अच्छा लगता है, भले आवाज़ का टेक्सचर, मान लो अगर किसी की आवाज़ का टेक्सचर अरिजीत सिंह से मैच कर रहा है, होता ही लोगों का, लेकिन वो उसकी तरह क्यों ना गा पाए, क्योंकि वो पीरियोडिक नहीं रख पा रहा है अपनी वेव फॉर्म को, उसी का तो रियाज होता है घंटों तक, वो इसीलिए तो एक ही सुर को रियाज कर रहा है कि हम अपने वेव फॉर्म को सेम रखें ना, बिगड़ने ना दे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो, और यही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो वो नॉइज़ में बदलने लगता है। तो जो इंसान जो गाने की कोशिश करता है गा नहीं पाता है, उसका कुछ ऐसा वेव फॉर्म बन जाता है, तो इसकी तरह गाना चाहेगा लेकिन वेव फॉर्म ऐसा निकल रहा है, ठीक है। अब वो तो ईयरफोन लगाया है, उसे अपने कान तक जा नहीं रही है, इस वजह से उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो इसमें भी म्यूज़िक और नॉइज़ के बीच में दोनों में आप लिख सकते हो, 120 डेसिबल के ऊपर भी, और दूसरा है वेव फॉर्म जिसका अलग अलग है। तो ये ग्राफ है, इस अरे ग्राफ बोल रहे हैं, ये डिस्टिंक्शन का पॉइंट है म्यूज़िक और नॉइज़ के बीच में, इसको करना। हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट करते हैं।
अच्छा हाँ ये भी है, ये देखो पहला वाला वेव फॉर्म ऑफ पियानो, ये जो सबसे कॉमन वेव फॉर्म रहता है ना ऐसे वाला, ये ट्यूनिंग फोर्क का है, याद कर लेना इसको, ये ट्यूनिंग फोर्क का है, ये वेव फॉर्म इसका है। और इन दोनों में और भी किसी का दिया है? नहीं नहीं दिया है, ठीक है। ये पियानो वाला और ट्यूनिंग फोर का बहुत पूछता, खासकर पियानो, तो इसको याद कर लेना, और नॉइस का तो कुछ भी हो आप बता ही दोगे। अब फाइनल लेते आते हैं, तीन वेव्स बनाते हैं, तीनों के बीच में अच्छा कंपैरिजन करते हैं, और जब कर लिए तीनों लोग सेटिस्फाइड होकर घर जाना और पढ़ लेना इसी को, पढ़ ज़रूर लेना बेटा, ये बोलना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी तो मुझे पता ही है क्या होना है। चलो पहली वेव बना दी हमने कुछ ऐसी, दूसरी वेव हमने बना दी, ऐसी सेम एम्पलीट्यूड मेंटेन है, और तीसरी मैंने बना दी ऐसी। एक चौथी भी लेते आते हैं, पांच ले लेता, ठीक है। ये पांचों अलग अलग वेव हैं, अब पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में कंपैरिजन करें तो क्या अलग अलग लग रहा है, मतलब दोनों वेव में क्या अलग अलग है? अगर मैं सबसे पहले लाउडनेस बोलूँ, लाउडनेस किसकी ज़्यादा है दोनों में? सेम है लाउडनेस, सेम। पिच किसकी ज़्यादा है, फ्री श्रिल कौन सी होगी? पहली वाली यानी ग्रेव होगी। कौन सी म्यूजिक है, कौन सी नॉइज़? दोनों ही म्यूजिक है, दोनों पीरियोडिक है, जितनी वेव दिखी वो तो पीरियोडिक दिखी, वो तो इसके बीच में दोनों ही म्यूजिक है, ठीक है। पहली और तीसरी के बीच में आते हैं, दोनों में किसका एम्पलीट्यूड, कोई कौन सी ज़्यादा लाउड वॉइस? सेम लाउडनेस। कौन सी ज़्यादा हाई पिच वॉइस? हाँ ये वाली, देखो इतनी देर में इसने बस 1.5 वाइब्रेशन दिखाई, इसने बहुत सारी वाइब्रेशन दिखा दी, ठीक है। दोनों में से कौन सी म्यूजिक, कौन सी नॉइज़? दोनों म्यूजिक है, पीरियोडिक है, ठीक है। वही सेम इसके बीच में भी चला जाएगा जब ये सेम है। अब इसको लाते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, किसकी लाउडनेस ज़्यादा दोनों में? सेम लाउडनेस, सेम एम्पलीट्यूड के कैरी ऑन हो रहा है। किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी? हाँ, सही बोले, क्योंकि देखो इसका वेव अगर मैंने देखा तो एक वेव ये, दूसरा वेव ये है ना, दूसरा वेव ये, तो इसने दो ही वेव लिखाई, इसने काफ़ी वेव दिखा दी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा, हाई पिच इसी की वॉइस है, दोनों में से कौन सा म्यूज़िक, कौन सा नॉइज़? म्यूज़िक। तीसरी लेते आते, तीसरी और पहली के बीच में कंपेयर करते हैं, दोनों में से लाउडनेस किसकी ज़्यादा? पहला। फ्री हाई पिच कौन सी ज़्यादा है? उस देखो पहले ध्यान से वाइब्रेशन का, अब इसके लिए आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। 1, 2, 2.5, 1, 2 और 2.5 से 3 ही मान लो, इसको तो कनेक्ट हो ही गया, तो इसीलिए इसमें हाई पिच वॉइस ज्यादा कौन सी है? ये वाली है। दोनों में से म्यूजिक और नॉइज कौन सी? दोनों ही म्यूजिक है, दोनों म्यूजिक है, ठीक है, दोनों पीरियोडिक है। ये वाली लाउडनेस कम होगी, हाँ लाउडनेस कम, ये दूर तक नहीं जा पाएगी, पर ये पतली आवाज होगी, तो देखो अब पतली आवाज है तब भी दूर तक नहीं जा पा रही है, तो कोई उसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो आइडेंटिफाई करा लिए, तो एग्जाम में ऐसे ही तीन वेव आपको देगा, अब इसको प्रैक्टिस करना, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन। हाँ देखो देखो ये दिया हुआ है ना वेव, अब इन वेव्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, ठीक है। और वेव आपकी स्क्वायर भी बन सकती हैं, आपकी वेव देखिए पीछे दिखा के स्क्वायर भी बनाया है, क्यों नहीं हो सकता है? अरे इस फॉर्म से निकल रहा है, अलग कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे सबका अलग अलग, हमारा ऐसी भी निकलती है,
गिटार से अलग वेव फॉर्म, क्या पता ये तबले का हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है वेव फॉर्म। आपको ध्यान देना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, अगर ये स्क्वायर भी पीरियोडिक है तब भी ये म्यूजिक है, ठीक है। बस इसी से अपना साउंड चैप्टर खत्म होता है। हाँ 173 खोला, हाँ हाँ पियानो वाला सर बहुत नहीं लग रहा है रेगुलर, ये टू पैटर्न्स एक्सप्लेन व्हाई आर द वेव पैटर्न्स डिफरेंट, तो पियानो ये अच्छे से बजा नहीं आ रहा होगा, यही तो बात है ना। अब पियानो ऐसा, पियानो पे भी किसी नौसिखिए को बैठा दो वो भी अलग टाइप ऑफ वेव फॉर्म बैठाएगा, ठीक है। हर चीज़ में उधर क्यों देखने लगते हो बेटा तुम लोग। चलो अब अगले क्लास में क्या करना है हम लोग, क्लास के बाद डिसाइड करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर।